में हम केमिकल प्रॉपर्टीज के सेकेंड टाइप को डिस्कस करने वाले हैं ऑफ अल्केन्स, राइट। तो जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन्स के अंदर निकल के आता है वो है कंबशन। तो आज की क्लास में हम कंबशन के बारे में पढ़ेंगे। बोला ये जाता है कि जब कभी भी आप अल्केन को हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या फिर डाई ऑक्सीजन, तो वो पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपको एज अ प्रोडक्ट देता है, यानी कि CO2 और वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा आपको प्रोडक्ट में मिलती है, साथ में काफ़ी मात्रा में हीट भी उसमें से लिबरेट होता है। तो आइए ज़रा रिएक्शंस करके देखें किस तरीके से अल्केन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट होगा तो ह्यूज अमाउंट में हीट तो देगा ही देगा, साथ में CO2 और H2O भी रिलीज करेगा। तो ये हमारे सामने एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्केन है जिसको आप मीथेन कहते हैं। इसको आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जहाँ पे यहाँ पे बोला गया है डाई ऑक्सीजन, इसकी प्रेजेंस में आप हीट करते हो। आपने दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया डाई ऑक्सीजन का, तो जब आप इसे हीट करोगे यानी कि जब रिएक्ट करोगे प्राइमरली, तो आपको प्रोडक्ट में मिलेगा CO2 एंड H2O। अब क्योंकि कंबशन रिएक्शन आपने क्लास 10th में भी बहुत बेसिक सी चीज़ थी तो आपने पढ़ रखा होगा, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ ये रिएक्शन प्रोसीड हुआ कैसे। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि जो हमारा CH4 था, अगर मैं कुछ उसको इस तरीके से लिखूँ CH4, यानी कि उसके सारे बॉन्ड जो है मैंने कर दिए एक्सपैंड, और इसको मैं किससे ट्रीट करा रहा था, मैं करा रहा था डाई ऑक्सीजन से, ठीक है। तो अब होगा क्या कि यहाँ से यानी कि एक कार्बन एटम पे आके ये ऑक्सीजन जो है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ऑक्सीजन एटम जो है अटैच हो गया, यानी कि आपने दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2, तो दो में से एक O2 जो है वो इस C के साथ अटैच हो गया, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में एक तो आपको CO2 मिल जाएगा, फाइन। अभी भी यहाँ पे एक O2 बचा हुआ है, तो वो एक O2 जो है वो H के साथ, मतलब कि अगर मैं बात करूं वाटर की तो वाटर होता है H2O, ठीक है। एक O2, अगर मैं एक O2 की बात करूं तो एक O2 में दो ऑक्सीजन होते हैं, एक O2 में कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर एक ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो एक ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन जो है वो सराउंड कर लेगा, और इसी तरह इस O2 के दूसरे ऑक्सीजन को अलग से दो हाइड्रोजन सराउंड कर लेंगे, तो ओवरऑल पानी की मात्रा कितनी आ गई, 2H2O, यानी कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन। तो आप देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो जो चार हाइड्रोजन थे, दो इधर वाले और दो इधर वाले, ये कहाँ चले गए, बचे हुए इसके एक O2 में, और इसका एक O2 कहाँ आ गया, इस CHC के साथ आ गया। तो प्रोडक्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, एक तो CO2 मिलेगा और दूसरा आपको 2x H2O मिलेगा, ये देखो 2x H2O मिलेगा। तो ये मैंने फुल डिटेल में आपको समझा दिया कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हुआ था। अब आइए ज़रा आगे देखें क्या लिखा हुआ है। अगर आप हाइयर अल्केन लेते हैं, लेट सपोज अगर आप हायर अल्केन लेते हैं, तो फिर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भी आपको बढ़ानी पड़ेगी डाई ऑक्सीजन की, और प्रोडक्ट आपका सिमिलरली CO2 और H2O ही बनेगा, जस्ट बिकॉज वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करते जाएंगे। और जैसा मैंने बोला था कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हीट जो है वो भी निकलता है, इसीलिए अल्केन जो है वो बहुत अच्छा एक फ्यूल भी माना जाता है। तो आप यहाँ पे देखो एक लोअर अल्केन के केस में 890 किलो जूल पर मोल हीट लिबरेट हो रहा है, और अगर हायर अल्केन की बात करें, हालांकि C4H10 जो है ब्यूटेन आपका वो इतना हायर में कंसीडर नहीं होता, स्टिल वो देखो 2875.84 किलो जूल पर मोल हीट निकाल के दे रहा है। अब अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करोगे कंबशन के केस में, अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखोगे तो क्या निकल के आएगा आपके सामने, ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखो CnH2n+2, ये अल्केन का फॉर्मूला होता है। अच्छा, कोई भी अल्केन आप इस्तेमाल कर लो, n की वैल्यू कुछ भी डाल दो, लेट सपोज 1 डाल दो तो यहाँ पे 1 कार्बन आ जाएगा और फिर ये 4 बन जाएगा, 2 डाल दो 2 कार्बन आ जाएगा, ये 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे अल्केन बनाने का ये तरीका है, साथ में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आप यूज करोगे उसके लिए फॉर्मूला होता है 3n+1/2। तो आप इसे लर्न कर लो। जो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो तो फिक्स है, जस्ट यहाँ पे वैरी करेंगे, क्या वैरी करेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो आपको हमेशा पता है कि अगर एक मॉलिक्यूल CO2 का निकलेगा तो उसका जो डबल है वो मॉलिक्यूल निकलेगा वाटर का, डबल नहीं मतलब एक एक्स्ट्रा, अगर यहाँ पे एक है तो ये दो निकलेगा, ये दो है तो ये तीन निकलेगा। आप यहाँ से जनरल कंपैरिजन भी कर सकते हो, एक CO2 था तो दो H2O था, यहाँ देखो चार कार्बन डाइऑक्साइड थे तो पाँच वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कुछ और डिटेल्स की, कि ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, देख रहे हो हीट की मात्रा कितनी ज़्यादा है। अब होता क्या है कि कंबशन में हीट जो है बहुत ज़्यादा निकलता है, तो अल्केन्स को आप बहुत बढ़िया फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हो,
और अगर यही अल्केन पूरी तरीके से कंबशन को नहीं फॉलोअप कर पाता, यानी कि इसका जो कंबशन होता है वो इनकम्प्लीट रह जाता है किसी कारणवश, कारणवश क्या, एयर की सप्लाई कम होगी, मे बी ऑक्सीजन कम होगा, तो होता ये है कि कार्बन ब्लैक जो है वो फॉर्म होता है। अब तक तो CO2 फॉर्म हो रहा था, बट अब प्रोडक्ट में फॉर्म होता है कार्बन ब्लैक। और ये कार्बन ब्लैक जो है ये भी बड़े काम का चीज़ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई हार्मफुल टॉक्सिक चीज़ निकल रहा है। अगर इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देते हो तो जो कार्बन ब्लैक निकल के आता है उसका इस्तेमाल आप करते हो प्रिंटर के इंक बनाने में, नॉर्मल इंक बनाने में, ब्लैक पिगमेंट्स और बहुत सारे फिल्टर में। इवन जो RO के अंदर कार्बन फिल्टर होता है वहाँ भी हम इसी पिगमेंट को, सॉरी, यही जो कार्बन ब्लैक है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। आइए ज़रा देखिए, जब इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा यानी कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो किस तरीके से कार्बन ब्लैक निकलता है। तो ये हमारे पास CH4 है। अब ऑक्सीजन तो दिया है आपने, मगर आपने प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं दिया। यहाँ पे एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और ये भी पूरी तरह से बर्न नहीं हो रहा होगा, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा वो केवल और केवल C बन के आएगा, और C इज योर कार्बन ब्लैक, वेरस प्लस H2O तो जरूर रिलीज होगा। इनफैक्ट अगर जितना खराब कंबशन होता है H2O की मात्रा उतनी ज़्यादा फिर बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा डिस्कशन था।